Hello students, welcome to the another session of operating system. In this session we are going to discuss about the page replacement algorithms. The first question which comes to our mind, that what do we mean by page replacement algorithm? As we have already discussed about the paging and page replacement phenomena, we are moving further to discuss about these algorithms. Page replacement algorithms are the techniques using which an operating system decides which memory pages to swap out, write to the disk when a page of memory needs to be allocated. मतलब memory में जब हमें space की ज़रूरत है तब कौन सा वो page होगा जिसको बाहर निकाला जाएगा ताकि नया page उसमें enter किया जा सके. इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो टेक्निक्स काम में ली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. दिस प्रोसेस डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. द लेसर द टाइम वेटिंग फॉर पेज इन्स द बेटर द एल्गोरिदम इज. माने जितना कम टाइम पेज को मेन मेमोरी में लाने में लगेगा उतना ही बेटर एल्गोरिदम होगा. Now the second question which comes to our mind, why page replacement algorithms are required? Page replacement algorithms ki kya avashyakta hai? Page replacement algorithms are an important part of virtual memory management and it helps the operating system to decide which memory page to be moved out. Matlab virtual memory management ki jo technique hai पेज रिप्लेसमेंट की, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सा मेमोरी पेज बाहर निकलेगा, विच मेकिंग स्पेस फॉर द करंटली नीडेड पेज. हाउएवर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स. अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि What do we mean by page fault? ये page fault क्या होता है? A page fault occurs when a program attempts to access a block of memory that is not stored in physical memory or RAM. माने एक page fault तब होता है किसी program में जब एक block of memory को access करने की कोशिश की जाती है जो न तो physical memory में मिल रहा है और ना ही वो RAM में मिल रहा है, यानी primary memory में मिल रहा है. However, an invalid page fault may cause a program to hang or crash. This type of page fault may occur when a program tries to access a memory address that does not exist. Now, what are the page replacement algorithms in conclusion? When a page fault occurs, the operating system has to choose a page to remove from the main memory to make a room for the page that has to be brought in. Page fault kab occur hota hai? Jab operating system choose karta hai kisi page ko main memory se bahar nikalne ke liye taki naya page main memory mein laya ja sake. The page replacement is done by swapping the required pages from backup storage to main memory or vice versa. पेज रिप्लेसमेंट जो होता है वो स्वैपिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिससे कि मेन मेमोरी से बैकअप स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क पर या हार्ड डिस्क से मेन स्टोरेज में पेजेस को आपस में रिप्लेस किया जा सके. इफ द पेज टू बी रिमूव्ड हैज बीन मॉडिफाइड वाइल इन मेमोरी, इट मस्ट बी री रिटर्न टू द डिस्क टू ब्रिंग द डिस्क कॉपी अप टू डेट. This is a very important point which needs to be understood just now. अगर कोई पेज रिमूव कर दिया गया है, जो रिमूव कर दिया गया था और उसमें कोई मॉडिफिकेशन आया है जब वो मेन मेमोरी में है, मेन मेमोरी यानी कि रैम, वहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है और उसमें किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन आया है, तो पेज जो कि हार्ड डिस्क से बैकअप स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाया गया है उसको भी रीराइट करने की आवश्यकता है ताकि वो पेज अपडेटेड रहे, अप टू डेट रहे. इफ हाउएवर
द पेज हैज नॉट बीन चेंज्ड, पर अगर पेज में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है, द डिस्क कॉपी इज ऑलरेडी अप टू डेट, डिस्क की जो कॉपी है वो तो पहले से अपडेटेड ही है, तो उसको वापस रीराइट करने की जरूरत नहीं है, सो देर इज नो नीड टू रीराइट इट अगेन. अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज इवैल्यूएटेड बाय रनिंग द पर्टिकुलर एल्गोरिदम ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस एंड कंप्यूट द पेज फॉल्ट्स. रेफरेंस स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ पेजेस बीइंग रेफरेंस्ड. पेज फॉल्ट इज नॉट एन एरर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पेज फॉल्ट डज नॉट मीन एनी एरर. पेज फॉल्ट का अर्थ किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है. पेज फॉल्ट एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इवेल्युएट किए जाते हैं अलग अलग एल्गोरिदम्स को रन करके एक स्ट्रिंग पर, जिस स्ट्रिंग को हम कहते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग्स. ये रेफरेंस स्ट्रिंग्स उन पेजेस के पेज नंबर के रेफरेंसेज हैं, उनके पेज नंबर के इंडेक्सेस हैं, जिनको हम कंप्यूट करेंगे पेज फॉल्ट्स की फॉर्म में. नेक्स्ट, ईच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने अलग अलग ऑपरेट अलग अलग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को काम में लेता है. टू सेलेक्ट पर्टिकुलर एल्गोरिदम, द एल्गोरिदम विद द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट इज कंसिडर्ड. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को अडॉप्ट करेगा, काम में लेगा, उसी एल्गोरिदम को काम में लेगा जिसका पेज फॉल्ट सबसे कम होगा. मेनली जो पेज फॉल्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम काम में लिए जाते हैं वो हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई है कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किया था पहले क्लासेस में, जिसमें हमने बताया कि एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है. वर्चुअल मेमोरी से हम समझे कि मेन मेमोरी जब हमारे पास में कम रह जाती है तो हम हार्ड डिस्क को उसका बैकअप मानते हुए मेन मेमोरी की तरह काम में लेते हैं. हार्ड डिस्क का वो एक एक्टिव पोर्शन डेडिकेट कर दिया जाता है मेन मेमोरी को, और मेन मेमोरी में जो हमारे पास में अवेलेबल स्पेस होती है उनको हम इक्वल साइज के फ्रेम्स में बांट देते हैं. फ्रेम का साइज पेज के साइज से मैच करते हुए होता है और हमारे पास में फ्रेम्स का काउंट लिमिटेड रहता है. अभी हम बात करने वाले हैं आगे पेज फॉल्ट्स के बारे में. पेज फॉल्ट हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया है कि अगर कोई पेज मेमोरी में, माने प्राइमरी मेमोरी में और हार्ड डिस्क में, दोनों में से कहीं भी नहीं मिला है, इसका अर्थ है कि वहाँ पेज फॉल्ट है. और अगर वहाँ पर पेज मिल गया है तो वो एक पेज हिट है, पेज मिस नहीं है. नाउ मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. द एल्गोरिदम दैट हैज द लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल द एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम. इट रिप्लेसेस द पेज विच विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द फ्यूचर नॉलेज ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड. इट इज ऑफन कॉल्ड एज बैलेडीज मिन बेसिक आइडिया विच सजेस्ट रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी रेफरेंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वो पेज जो कि लंबे समय तक नहीं काम में लिया गया था उसे हम रिप्लेस करें, and it is impossible to implement because we have limited count of frames and it is very difficult that a page is not being referenced for longest period of time kyunki frequently kaam aata rehta hai. Now we will try to understand it with an example. We have given a reference string sequence. aap dekh rahe hain इसमें एक पूरी रेफरेंस स्ट्रिंग हमें दिखाई जा रही है जो इस प्रकार से है 0 2 1 6 4 0 1 0 3 1 2 1.
नाउ वी हैव फोर फ्रेम्स एट अ टाइम, हमारे पास में चार फ्रेम्स हैं जिनमें ये चार पेजेस अकोमोडेट किए जा सकते हैं, जिनके पेजेस की इंडेक्स एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमको दी गई है। अब हम स्कैनिंग शुरू करते हैं रेफरेंस स्ट्रिंग की लेफ्ट से राइट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास में आ रहा है पेज इंडेक्स ज़ीरो। जब ज़ीरो पेज इंडेक्स आएगा इसका अर्थ है कि जब फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे खाली हैं और मेमोरी में और हार्ड डिस्क में ये पेज आया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए पहला पेज फॉल्ट होगा। तो इस तरह से 0, 2, 1, 6 ये चारों के चारों पेजेस चार पेज फॉल्ट के रूप में डिनोट किए जाएंगे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में। आप देख रहे हैं इसमें जो चारों हैं उन चारों के नीचे हमने एक्स 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 मेंशन किया हुआ है, यानी ये चारों के चारों कंपलसरी मिसेज हैं क्योंकि चारों ही मेमोरी में मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो ये कंपलसरीली मिस होंगे और ये कंपलसरी मिस हमारे चार पेज फॉल्ट के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। जब इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज इंडेक्स की बात करते हैं जो कि है 4। जब आप स्ट्रिंग को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 4 इस पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं है। तो अब इस पूरे इन पूरी फ्रेम्स के ब्लॉक में जब 4 कहीं भी नहीं है तो इसको रिप्लेस किया जाएगा उस पेज के साथ जो कि सबसे कम काम में आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 6 इंडेक्स वाला फ्रेम है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 4 के साथ, क्योंकि 4 इन चारों फ्रेम्स में कहीं अवेलेबल नहीं था। तो पहले चार तो कंपलसरी मिस हो गए यानी चार पेज फॉल्ट हो गए, और उसके बाद में हमने नए पेज इंडेक्स 4 को रिप्लेस किया है 6 के साथ जो कि एक अनादर मिस है, जो कि एक अनादर पेज फॉल्ट है। तो अब हमारे पास में टोटल पेज फॉल्ट हो गए 5, देयर विल बी 5 पेज फॉल्ट्स। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट इंडेक्स विच इज 0, हम देखेंगे इन फ्रेम्स में से 0 पहले ही खाने में हमें मिल गया है, तो इट विल बी अ पेज हिट, इट इज नॉट पेज मिस। सो ये पेज फॉल्ट में काउंट नहीं होगा, इसलिए इसके नीचे किसी तरह का एक्स नहीं बना है। फिर हम नेक्स्ट पेज इंडेक्स चेक करेंगे 1, इन फ्रेम्स में चेक करेंगे तो 1 हमें थर्ड फ्रेम में मिल जाएगा, यानी ये फिर से एक पेज हिट हो गया, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज पेज मिस और पेज फॉल्ट, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे अगली इंडेक्स जो कि है 0, इन फ्रेम्स में चेक करने पर 0 हमें फर्स्ट फ्रेम में मिल जाएगा, ये भी हमारा एक पेज हिट है यानी कि एक पेज मिस नहीं है, पेज फॉल्ट नहीं है, इसलिए इसके नीचे भी हमने एक्स नहीं लिखा। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हमारी आती है 3। 3 को जब हम कंपेयर करेंगे इन चारों फ्रेम्स में तो हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इट इज अ कंपल्सरी मिस, इट इज अ कंपल्सरी मिस। सो दिस मिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पेज फॉल्ट। अब हमारे पेज फॉल्ट हो गए टोटल 6, एंड द लीस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से जो पेज नहीं काम में लिया गया है वो है 0, इसलिए 0 की इंडेक्स को 3 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी तक हमारे पास में टोटल पेज फॉल्ट हैं 6। जब हम नेक्स्ट पेज इंडेक्स को चेक करेंगे 1 तो वो हमें थर्ड फ्रेम में मिल जाएगा, जब हम नेक्स्ट पेज इंडेक्स को चेक करेंगे 2 वो हमें सेकेंड फ्रेम में मिल जाएगा, और लास्टली रेफरेंस स्ट्रिंग का जो लास्ट इंडेक्स है 1 वो हमें थर्ड फ्रेम में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम स्कैनिंग करते हैं, व्हेन वी आर स्कैनिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी हैव 6 मिसेस और 6 पेज फॉल्ट्स। तो आप देख सकते हैं हम इसका फॉल्ट रेट निकाल सकते हैं, देर आर टोटल नंबर ऑफ 12 पेजेस आउट ऑफ विच टू एकोमोडेट ऑल द 12 पेजेस इन दीज 4 फ्रेम्स देर विल बी 6 फॉल्ट्स, 6 फॉल्ट्स होंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब है इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यानी कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का फॉल्ट रेट होगा 0.5 विद रेफरेंस टू दीज पेजेस। नाउ मूविंग फर्दर ऑन नेक्स्ट टेक्निक विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दिस मेथड इज द ओल्डेस्ट पेज इन द फिजिकल मेमोरी, इज सेलेक्टेड फॉर द रिप्लेसमेंट, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले आएगा।
तो जो सबसे पहले आया वो ओल्डेस्ट वन हो जाएगा, इसीलिए वो सबसे पहले रिप्लेस होगा। इट इज वेरी सिंपल टू इंप्लीमेंट, कीप अ लिस्ट ऑन अ पेज फॉल्ट, द पेज एट द हेड इज रिमूव्ड एंड द न्यू पेज एडेड एट द टेल ऑफ द लिस्ट। अब आप इसका एग्जांपल देखते हैं हम, सेम उसी रेफरेंस स्ट्रिंग के साथ में आप देखेंगे कि हमारे पास में 12 फ्रेम्स हैं, 0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1। जब हमारे पास में सारे फ्रेम्स खाली हैं तो पहले चारों पेजेस कंपलसरी चार मिस करेंगे, 4 कंपलसरी मिसेस डिनोटेड बाय 4x एंड दीज आर 4 फॉल्ट्स। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव अनदर इंडेक्स विच इज 4, 4 इज नॉट प्रेजेंट देयर। अब जब हम देखेंगे तो टॉप डाउन ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले जो पेज एंटर हुआ था वो था 0 फर्स्ट इन से, तो फर्स्ट आउट भी 0 ही होगा, तो 4 विल बी रिप्लेस्ड विद 0 और पेज फॉल्ट का काउंट हो जाएगा हमारे पास में 5। देन अदर वन इज 0, 0 जस्ट अभी बाहर गया है पर 0 अभी हमारी फ्रेम इंडेक्स में नहीं है, तो इट विल बी अ पेज फॉल्ट। ठीक है, पेज फॉल्ट होगा, हमारा काउंट अब इससे बढ़ के हो जाएगा 6 और 2 विल बी रिप्लेस्ड विद 0। नेक्स्ट हमारा पेज अंदर एंटर कर रहा है वो है 1 विच इज ऑलरेडी देयर इन थर्ड फ्रेम, सो इट विल बी अ पेज हिट नॉट अ पेज मिस। देन अ 0 विच इज अवेलेबल इन फ्रेम 2, इट इज अ पेज हिट। देन अगेन देयर विल बी 3, 3 हम देख रहे हैं इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है और 0 रिप्लेस हो चुका है, तो ये 1 रिप्लेस होगा 3 के साथ में और हमारा पेज काउंट अब हो जाएगा 7। देन कम्स 1, 1 भी इस फ्रेम लिस्ट में नहीं है तो 1 रिप्लेस होगा 6 के साथ। अब हमारा जो फॉल्ट रेशियो है, जो फॉल्ट है या कंपलसरी मिसेज है, उसका काउंट बढ़ करके हो जाएगा 8। नेक्स्ट इज 2, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो सबसे पहले पेज आया था वो था 4, तो अब बाहर जाने वाला भी होगा 4 और अंदर एंटर होने वाला होगा 2। अब हमारा फॉल्ट हो गया है, फॉल्ट काउंट हो गया है 9 और लास्टली होगा 1 जो कि फोर्थ फ्रेम पर मिल गया है, तो टोटल फॉल्ट्स हमारे पास में हो जाएंगे 9। इसका फॉल्ट रेट हम कैलकुलेट करेंगे 9/12, दैट इज 0.75। जो हमारा ऑप्टिमल पेज था उसका फॉल्ट रेट था 50%, इसका फॉल्ट रेट है 75%। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मेथड। इन दिस एल्गोरिदम द पेज हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज सेलेक्टेड फॉर रिप्लेसमेंट। वो पेज जो कि सबसे लंबे समय तक काम में नहीं लिया गया उसे रिप्लेसमेंट के लिए काम में लिया जाएगा। ऑल्दो LRU इज थ्योरेटिकली रियलाइजेबल, इट इज नॉट चीप। देखने में ये थ्योरेटिकली रियलाइजेबल लगता है पर ये बहुत ही कॉस्टली मेथड है टू फुली इंप्लीमेंट LRU, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ लिंक लिस्ट ऑफ ऑल द पेजेस इन द मेमोरी विद द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज एट द फ्रंट एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज एट द रियर। हमने जो डेटा स्ट्रक्चर में फ्रंट और रियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर यह काम करेगा। द डिफिकल्टी इज दैट द लिस्ट मस्ट बी अपडेटेड ऑन एवरी मेमोरी रेफरेंस। फाइंडिंग अ पेज इन द लिस्ट, डिलीटिंग इट एंड देन मूविंग इट टू द फ्रंट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन इवन इन हार्डवेयर। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द सेम एग्जाम्पल लीस्ट रिसेंटली यूज के लिए। हमारे पास में वही पेजेस की सारी इंडेक्सेस का स्ट्रिंग दिया हुआ है, पहले चारों कंपलसरी मिस होंगे, हम पहले दो मेथड्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो एकोमोडेट हो गए 0, 2, 1, 6, तो हमारा पेज फॉल्ट हो गया 4। नेक्स्ट आ रहा है 4। अब आप देखेंगे 4 सबसे पहले जो पेज एंटर हुआ वो 0, तो सबसे लंबे समय तक जो काम में नहीं लिया गया पेज था वो था 0, तो 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, पेज फॉल्ट हो गया 5, उसके बाद में आएगा 0। अब आप देखेंगे कि 0 जो रिप्लेस हो रहा है, 4 तो रिसेंटली रिप्लेस हुआ है, तो लीस्ट रिसेंटली कौन रिप्लेस होगा, 2। ठीक है, तो 2 रिप्लेस हो जाएगा 0 के साथ में, अब हमारा पेज फॉल्ट हो गया 6। उसके बाद में चेक करेगा 1 थर्ड फ्रेम में अवेलेबल है, इट विल बी अ पेज हिट। देन 0 इट इज अवेलेबल इन फ्रेम 2, इट इज अ पेज हिट।
Then comes the page 3. 3 needs to be replaced. 3 replace किया जाएगा किसके साथ? Least recently used frame के साथ, जो कि है 6. 6 will be replaced with 3. अब हमारा page fault हो गया 6 से बढ़कर के 7. Now it will check for 1. इन चारों frames में 1 हमें मिल गया, तो it will be a page hit. Then comes 2. 2 इस frame में, frame की list में नहीं है, तो 2 अब replace किया जाएगा उस frame के साथ जो कि least recently used frame है. वो अब हो चुका है हमारे लिए 4, क्योंकि सबसे last में वही update किया गया था. सॉरी, सबसे पहले वही अपडेट किया गया था, तो वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा. सो 2 विल बी रिप्लेस्ड विद 4. अब हमारा फॉल्ट काउंट हो गया है 8. देन इट विल लुक फॉर अनदर पेज विच इज 1. 1 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द फ्रेम लिस्ट एट थर्ड फ्रेम, सो इट इज अ पेज हिट. तो हमारे टोटल मिसेज हो गए 8, यानी कि पेज फॉल्ट्स हो गए 8. 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 67%. तो हम कहेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में 67% पेज फॉल्ट होता है. थैंक यू वेरी मच. आई होप ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा.